नमस्कार, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल रेड अलर्ट न्यूज में। आइए लेकर चलते हैं आपको आज की खबरों की ओर। ग्रामीण क्षेत्रों में दिखा युवा कांग्रेसी द्वारा डीजल पेट्रोल का विरोध। खबर छतरपुर से, जहां राजनगर अनुविभाग अंतर्गत आने वाले ग्राम गंज में युवा कांग्रेस द्वारा डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। युवा कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष सत्येन शर्मा के नेतृत्व में दर्जनों युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार को डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों को खूब खरी खोटी सुनाई गई। युवा कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष सत्येन शर्मा ने कहा कि डीजल और पेट्रोल के दामों में सरकार ने इतनी वृद्धि की है कि आम आदमी की कमर टूट गई। सरकार के इस फैसले के खिलाफ आज यह विरोध प्रदर्शन किया है। अगर सरकार दाम कम नहीं करती तो सरकार के खिलाफ आगामी समय में विशाल जन आंदोलन किया जाएगा। राजकुमार सिंह बुंदेला ने भी बीजेपी सरकार को बहुत कोसा। तत्पश्चात बड़ा मलहरा के यूथ सेवा दल के अध्यक्ष पुष्पेंद्र शर्मा ने भी बीजेपी का चीरहरण करते हुए कहा कि मोदी जी, आप उद्योगपतियों के प्रधानमंत्री नहीं, गरीबों के प्रधानमंत्री। डीजल पेट्रोल और खाद्य तेल की बढ़ती कीमतों की मार आम आदमी नहीं झेल पा रहा। इस मौके पर युवा कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष सत्येन शर्मा, किसान कांग्रेस के राजकुमार सिंह बुंदेला, बड़ा मलहरा यूथ सेवा दल के अध्यक्ष पुष्पेंद्र शर्मा, बद्री महाराज देवगांव ऋषि, राजा देवेंद्र साहू, रणी सिंह, रणधीर सिंह, अनिल यादव, नरेंद्र शर्मा, गोलू पटेल सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज हम सभी युवा कांग्रेस के साथी आज गंज पेट्रोल पंप पे बढ़ती महंगाई एवं डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों के विरोध में विरोध प्रदर्शन करते हैं। नरेंद्र मोदी अभी तक सोए हुए हैं, उनको जगाने के लिए हम सभी युवा साथी आज गंज पेट्रोल पंप पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सोई हुई सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस महंगाई की मार से जनता बहुत परेशान है। इसलिए हम अपने प्रधानमंत्री जी से आग्रह अनुरोध करते हैं कि जागो और जनता को देखो कितनी परेशान है। छतरपुर से सोहराब मंसूरी की रिपोर्ट।